आदाब नाज़रीन, अवाम-उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शुरू करने से पहले हदीस मुबारक पेश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ऐ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गैर महरम औरत पर एक नज़र पड़ने के बाद दूसरी नज़र न दौड़ाओ, इसलिए कि पहली नज़र तुम्हारे लिए माफ है और दूसरी नज़र माफ नहीं। तिर्मिज़ी। अल्लाह के घर का दीदार तकदीर वालों को नसीब होता है, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। ये बात रुकन संभली तालुक अहमदौल जी विठल रड्डी ने शेख नज़ीर कुरैशी और उनके अफराद खानदान की उमरा रवानगी तकरीब से बात करते हुए कही। इन्होंने रियासत तेलंगाना के अवाम के लिए दुआओं की गुजारिश की। इस मौके पर अखिलती सदर भैसत शेख मुनीर कुरैशी, शेख नज़ीर कुरैशी, शेख रहीम कुरैशी, टीआरएस सीनियर कायदीन अब्दुल मजीद चौधरी, अब्दुल अहद, कासिम भंडारी और दीगर टीआरएस कायदीन व दोस्त अहबाब मौजूद थे। भैंसा में डॉक्टर अंबेडकर की यौम पैदाइश तकरीब का बड़े ही जोश व खुरोश से इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली तालुक अहमदौल जी विठल रेड्डी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 128वें यौम पैदाइश पर मुजस्मे की गुलपोशी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर की खिदमत जो कौम के लिए अंजाम दी है सराहते हुए उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए सारी दुनिया में रियासत तेलंगाना की कौमी यकजहती को बनाए रखने की बात कही। उनके अलावा एएमसी मार्केट कमेटी चेयरमैन जी मुरलीगौड़ ने भी मुजस्मे की गुलपोशी की। उनके हमराह पंडित राव, प्रदीप, कृष्णा, रामू और दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। श्री राम नवमी का पुरामन इख्तिताम। दक्षिणामूर्ति एडिशनल एसपी डीएसपी राजेश बल्ला, सीआई श्रीनिवास, विष्णु प्रकाश बजाज बीजेपी कायद ने श्री राम की आरती उतारते हुए पूजा पाठ की। भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से जश्न मनाया। पुलिस का माफूल बंदोबस्त रहा। ఘనంగా శ్రీరామనామి ఉత్సవాలు జరపడం ప్రారంభం చేశాం. ఇందులో
భాగంగా యావత్ యువకులు, పెద్ద మనుషులు, హిందువులు, హిందూ వాహిని కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. యావత్ ప్రపంచం కూడా ఈరోజు భారతదేశము సనాతన హిందూ సంస్కృతి వైపు చూస్తున్న సందర్భంలో ప్రపంచంలో ఏకైక ఆదర్శవంతమైనటువంటి ఎవరైనా ఉన్నారంటే శ్రీరామచంద్రుడు అని ప్రపంచ నమ్ముతుంది. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విశ్వంలో ఉన్నటువంటి మానవాళి అందరూ ఈరోజు శ్రీరాముని అడుగుజాడు జరుపుకుంటున్నాము. ఆ భాగంలోనే ఈరోజు బైసా నగరంలో హిందూ అయిన తరఫున ఈ కార్యక్రమం జరగబోతుంది. అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో మనస్ఫూర్తిగా ఉత్సాహంతో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని నేను అందరికీ కోరుతూ శ్రీరామ్ చెప్తున్నాను.